लंबे वक्त से नंबर एक स्पॉट पर रही है होंडा सिटी। मारुति लगातार कोशिश कर रही है उसे हिलाने की। हाल में वो लेकर आई है डीजल SX4 भी। फोक्सवैगन लेकर आई अपने वेंटो और फिएट लेकर आई टर्बोचार्ज लीनिया। लेकिन बहुत दिनों से सन्नाटा सा लग रहा था ह्यूंडई की कैंप की तरफ से। लेकिन अब बहुत जोरों से शोर के साथ ह्यूंडई ला रही है अपनी नई वरना। पहली नजर में ही ये आपको पुरानी वरना से बिल्कुल अलग दिखेगी। इस डिजाइन को ह्यूंडई ने नाम दिया है फ्लूइडिक स्कल्पचर डिजाइन। कोरियन डिजाइन हिंदुस्तान में काफी हिट हैं, और अगर हम कहें बीट और शेवरलेट क्रूज, ये दोनों कोरियन डिजाइन ही थे। और जब ह्यूंडई खुद एक कोरियन कंपनी है, ऐसे में वो कैसे पीछे रह सकती थी। अब उसका आत्मविश्वास कहीं ज्यादा है पहले से, और वो झलक कर आ रहा है इस नई वरना में। अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करें और साथ में फॉग लैम्प की बात करें, ये दोनों जो जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है वो पहले से कहीं ज्यादा शार्प है, कटिंग एज जिसे कहते हैं, और न्यू एज डिजाइन है जो बहुत अग्रेसिव दिखता है और साथ में एक नया कैरेक्टर देता है वरना को। जो नई वरना जब आई थी वो मुझे थोड़ी निराशाजनक लगी थी, खासकर फ्रंट ग्रिल में, क्योंकि लग रहा था जैसे वो डिज़ाइन अधूरा सा है और इसी वजह से शायद उतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट वो नहीं बना पा रही थी। नई वरना एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रही है, और मुझे लगता है कि बहुत से ग्राहकों को वो स्टेटमेंट अपने लिए परफेक्ट लगेगा। वरना का प्लेटफॉर्म अलग है, जो पहले से 70 mm लंबा है, जिससे कुल मिलाकर कार की बनावट 90 mm लंबी हुई है और ये 5 mm चौड़ी भी हुई है। अब वरना की ऊंचाई को 13 mm कम किया गया है, और ये स्टांस वरना को ज्यादा स्पोर्टी जरूर दिखाता है। आज जिस नई वरना को हम चला रहे हैं वो दरअसल 7वां जनरेशन है वरना कार का, जो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप में आई है, और इस कार में काफी सारे बदलाव हैं। अब ये सेगमेंट बहुत ही पेचीदा हिंदुस्तान के लिए, जहां पर पहले से सिटी, SX4, वेंटो और यहां तक कि ईटियोस को भी कंपनी अपना कंपटीशन मान रही है। ऐसे में क्या क्या खूबियां हैं इसकी और किस तरह से प्रदर्शन करती है वो देखना बहुत ही अहम होगा। एक दिलचस्प मुद्दा है नई वरना में लगने वाला नया इंजन। दरअसल कंपनी 4 इंजन विकल्पों के साथ आ रही है, 1.4 लीटर और 1.6 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प। जहां 1600 सीसी पेट्रोल इंजन की ताकत 123 bhp है, वहीं 1400 सीसी वाले इंजन की ताकत 107 bhp है। डीजल वरना में भी 1400 सीसी और 1600 सीसी वाले इंजन हैं, जिनकी ताकत 90 से लेकर 128 हॉर्स पावर के बीच है, और टॉर्क भी ढेर सारा। तो बातें काफी हो गई, अब चलते हैं ड्राइव पर। दुबई की सड़कें मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, खासकर ये जो हाईवे मैं देख रहा हूँ, काफी लंबी दूरी तक बिल्कुल सपाट चमचमाती हुई काले रंग की और बिल्कुल साफ सुथरी बिना ट्रैफिक के ये चली जा रही है, और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट सा महसूस होता लगता है, जैसे इंसान ने एक लकीर खींच दी है कुदरत के बनाए हुए इस ज़मीन के ऊपर, जहाँ पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, और लगता है कि बस यही है, और बीच में ये जो सड़क है वो काली लकीर की तरह लगती है। यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो बहुत ही डिसिप्लिंड ड्राइविंग कहेंगे, और साथ में इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कड़ा है, यानी अगर आप कुछ गलती करते हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुर्माना होता है, और ज़्यादातर सड़कों पर कैमरे लगे हैं जो आपकी गैर जिम्मेदार ड्राइविंग को कैच कर सकें और साथ में आपको भी कैच कर सकें। ये जो सड़क के ऊपर इस तरह की जो ड्राइविंग है, उसने मुझे वजह बताई उस मस्ती की जो कल मैंने देखी थी जब ड्यून बैशिंग के लिए गए थे। और ड्यून बैशिंग वो होता है जब आप रेगिस्तान में जाते हैं SUVs लेकर, और तब लगा था कि दुबई कोई देश या शहर या किसी और इलाका का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग प्लानट है जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि SUVs बसते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से ढेर सारे SUVs रेगिस्तान में इधर से उधर भाग रहे थे, जैसे उन्हें डर ही नहीं कि कहीं पर उनका पहिया फंसेगा या कहीं वो अटकेंगे। और वही लग रहा था कि जब डिसिप्लिन, जितने डिसिप्लिन तरीके से वो सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो सारी मरास और सारी मस्ती जो है वो रेगिस्तान में। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free NDTV.com/apps.